हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो हम सीखेंगे थ्री फेज पावर मेजरमेंट कैसे होगा दो वाटमीटर के मेथड से। तो ये सबसे कॉमन मेथड है और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो तो आपको टू वाटमीटर मेथड पता होने चाहिए कि उससे कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फॉर बैलेंस लोड एंड फॉर अनबैलेंस लोड। तो आइए हम देखते हैं, कनेक्शन है तो आप देख सकते हैं इस कनेक्शन में हमने तीन फेज दिया है आर वाई एंड बी। अगर आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है तो न्यूट्रल भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, नो इश्यू। न्यूट्रल जनरली ब्लैक से इंडिकेट करते हैं बट मैंने यहाँ पर रेड से कर दिया है, ठीक है, तो आप इसे कंसीडर कर लेना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने डब्ल्यू वन कंसीडर करेंगे, इसे डब्ल्यू टू कंसीडर करते हैं। ये आपके पास सी सी कॉइल होती है, ये पी सी कॉइल होती है। सिमिलरली इसमें भी इन्होंने पी सी कॉइल ऊपर कर दिया और सी सी कॉइल नीचे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने वाटमीटर कनेक्ट कर दिया है और ये कॉमन पॉइंट होता है। करंट और पोटेंशियल कॉइल के चलते आपको प्रॉपर पावर रेटिंग मिल जाती है, कितना पावर कंज्यूम हुआ है। तो ये बैलेंस लोड के लिए भी होता है और अनबैलेंस लोड के लिए भी होता है। तो अगर आपने यहाँ पर जैसे सपोज 100 वाट का लोड लगाया, यहाँ भी 100 वाट का लगाया, यहाँ भी 100 वाट का लगाया, तो बैलेंस है। अगर यहाँ पर सपोज आपने 500 कर दिया, इधर 100 100 रहा, तो ये आपका अनबैलेंस लोड हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे कनेक्शन प्रैक्टिकली करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन फेज है आर वाई बी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आर से ही कनेक्ट करता हूँ, तो आर लेके आते हैं एज पर कनेक्शन डायग्राम, आर पे लेके आते हैं एम पे। तो ये हमारा एम है, सी है, एल है, इसमें भी एम है, सी है, एल है। तो यहाँ पर सपोज आपको वोल्टेज रेटिंग मिल जाएगी, ये आपको 600 वोल्ट रहेगी, ये आपकी 300 वोल्ट रहेगी जब आप थ्री फेज वाली मीटर यूज़ करोगे, मीन्स जब ज़्यादा रेटिंग की यूज़ करोगे, और ये आपकी 150 वोल्ट रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी 600 वोल्ट की रहेगी, और यहाँ पर आपकी 150 वोल्ट की रहेगी और 300 वोल्ट की रहेगी। तो आप जैसा सलेक्शन लेना चाहो ले सकते हो। तो उसके बाद आपको देख सकते हैं कि आपकी जो आएगी आर फेज आएगी एम पे आएगी, और एम और सी सॉर्टेड है आप जानते हैं। फिर उसके बाद एल से एक लोड को चली जाएगी, तो एल से हमने एक बल्ब को दे दिया, मतलब यहाँ पर हम बल्ब लोड यूज़ कर रहे तो एक बल्ब को दे दिया। उसके बाद जो आपकी इसकी वी होगी, तो इसकी वी को हम निकाल के रख लेते हैं। वी को हम ब्लैक से इंडिकेट करते हैं, तो वी हम कौन सी लेंगे, 600 वाली लेंगे, तो 600 को हम निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वाई की कनेक्शन आती है, तो वाई आपको पता है, वाई आके मैंने इसे जोड़ दिया, ब्लैक से ही जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लू की कनेक्शन है, बी की कनेक्शन है, बी की कनेक्शन चली जाएगी दूसरे वाटमीटर में, दूसरे वाटमीटर के कहाँ जाएगी, एम पे। एम और सी सॉर्टेड रहेगी। फिर उसके बाद एल से हम ले लेंगे एक अदर बल्ब को, ठीक है, इस बल्ब को ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दोनों के वी को जोड़ दिया है। अब इसका वी भी जोड़ देंगे, इसकी वी को भी हम कॉमन जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने येल्लो का लिया है, ब्लू का लिया है, और इसका वी कॉमन को एक साथ जोड़ दिया है। अब ये लेके जाएंगे हम, इसे आप किसी भी कलर से कर सकते हैं, तीसरे बल्ब को, इस बल्ब को। अब इस बल्ब को ले जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे तीनों बल्ब को जोड़ देंगे, तो ये आपका बैलेंस लोड का कनेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी कनेक्शन था, भले आपको देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। तो आप सबसे पहले देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आर को लेके आएंगे, एम सी सॉर्टेड करेंगे, फिर उसके बाद एल से बल्ब को लेके जाएंगे इस बल्ब नंबर वन पे, ठीक है। फिर उसके बाद वाई आएगा, वाई को आपने देखा होगा दोनों का वी से जुड़ा हुआ है, तो वाई इसका भी वी से जुड़ा हुआ है, इसका भी वी से जुड़ा हुआ है, और ये जाता है एक बल्ब को, बल्ब नंबर टू को, ठीक है। फिर उसके बाद जो बी है, बी आपका जाता है आपने जैसा कनेक्शन में देखा था सेकेंड वाट मीटर को, तो यहाँ पर एम सॉर्टेड है। फिर उसके बाद एल से मैंने बल्ब थ्री को लिया, फिर उसके बाद आपका ये वी तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था,
उसके बाद इसका कॉमन पॉइंट से हमने तीनों को जोड़ दिया। तो आप जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो ये ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपको कभी भी सपोज लगता है कि आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो आप प्लीज़ चेक करें इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग, और अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए। ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या रहेगा, सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। जब भी आप थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर इंक्रीज करेंगे तो जब भी आपको लगेगा कुछ प्रॉब्लम है, हीटअप हो रही है, तो आप उसे सडनली ऑफ कर सकते हैं। बट अगर आपका कनेक्शन श्योर है, सब कुछ ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।